तो फाइनली यहाँ पर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आज 2 से 3 वीडियोस में मैं आपको सारी कहानी यहाँ पे बता दूंगा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस की, कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन से क्लासेस में एडमिशन होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो यहाँ पे एप्टीट्यूड का पेपर होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइडलाइंस पढ़ के बताने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। लाइव डेमो होने वाला है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले टाइम में आने वाली है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। अब बिल्कुल भी देर नहीं करता हूँ, सीधा गाइडलाइंस आपके सामने खोलता हूँ। मैंने erudel.nic.in की साइट खोली हुई है, ये गाइडलाइंस का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैं गाइडलाइंस पे क्लिक करता हूँ तो गाइडलाइंस मेरी डाउनलोड हो जाती है, और ये गाइडलाइंस जो है कल ही आई है, 11 अगस्त को ही ये गाइडलाइंस आई है। तो गाइस अब इस गाइडलाइंस में क्या लिखा है ये हम पढ़ के देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो फिलहाल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 20 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 15 अगस्त से 20 स्कूल तैयार हैं, लेकिन 100 स्कूल 2 साल के अंदर बनने वाले हैं। अब इन 20 स्कूलों में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तहत ये पढ़ाई यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है वो नई वाली लगने वाली है, यानी 2020 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नई नेशनल पॉलिसी निकाली थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके आधार पर यहाँ पे एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है स्कूल एजुकेशन का, जहाँ पर 5+3+3+4 ईयर्स फ्रॉम द करंटली एग्जिस्टिंग 10+2 ईयर्स मॉडल। पहले क्या होता था, पहले जब हम 10वीं पास कर लेते थे उसके बाद यार हमसे रिश्तेदार, माँ बाप या फ्रेंड सब पूछते थे कौन सी स्ट्रीम ले रहा है यार, कौन सी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 5वीं के बाद ही आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6ठी से डिवाइड हो जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और 8वीं के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस में 8वीं तक तो एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन 9वीं क्लास से एडमिशन होंगे। तो आपको 9वीं क्लास से ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, या फिर 21st सेंचुरी जो यहाँ पे 4th स्ट्रीम निकाली है हार्ड स्किल्स वो लेनी है। तो आप इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको पढ़ने को मिलेगा, जो हम लोगों को नहीं मिला है। तो आप लोग काफ़ी लकी हो, इस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे आपको नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, और आप अपनी स्कूल लाइफ से ही एक स्ट्रीम के ऊपर फोकस हो जाओगे। तो सोच समझ के ही आपको स्ट्रीम लेनी है। करते जैसे मैं कह रहा था 4 स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे, तो पहली स्ट्रीम है स्टेम। स्टेम में क्या क्या आती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी आपने 8वीं पास कर ली, अब आपको 9वीं क्लास से पढ़ना है नए स्कूल में, तो आप कौन सी स्ट्रीम लोगे यहाँ पे। आप 11th में अभी तक स्ट्रीम सिलेक्शन करते थे, लेकिन अब आपको 9th क्लास में स्ट्रीम सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सोच समझ के स्ट्रीम लेनी है। बिकॉज जो भी स्ट्रीम लोगे वो आप यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल पढ़ने वाले हो, उसके बाद भी उसी स्ट्रीम में आपको आगे जाना है, तो आपको सोच समझ के स्ट्रीम लेनी होगी। पहली स्ट्रीम है स्टेम। स्टेम में आपको टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, इस फील्ड में आपको चले जाओगे। सेकंड स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स, तो इसमें आप चले जाओगे। तीसरी है परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, इसमें आप जा सकते हो। एंड चौथी है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। अब इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, जो 3rd और 4th वाली है आई थिंक इन लोगों ने डाल रखा होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर अब यहाँ पे और देख लेते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं ये लोग। लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी स्कूल हैं वो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड हैं। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन होता था, अब दिल्ली स्कूल बोर्ड लगाए, यहाँ पे नया बोर्ड बनाए। ऑपरेटिंग पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट, एडमिशन्स विल बी ऑफर्ड इन दी क्लासेज 9th and 11th थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरेस्ट इन अर्लियर क्लासेस। यानी यहाँ पर जो आपकी एडमिशन्स होंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड जो पिछले अर्लियर क्लासेस में उसने इंटरेस्ट शो कराए, डेमोन्स्ट्रेट कराए, उसके आधार पर एडमिशन्स होंगे। पूरा प्रोसेस आपको समझ आने वाला है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा, बाकी पूरी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के आधार पर बांटे गए हैं। तो जितने भी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस हैं उन सब में कॉमन क्या है, यहाँ पे फाउंडेशनल लेवल ऑफ लर्निंग, लैंग्वेजेस, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, पर्सनैलिटी, पर्सपेक्टिव, सिटीजनशिप, सोशल साइंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ कॉमन है हर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस में। अब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो स्कूल्स को डिवाइड करा गया है वो एडवांस लेवल एज पर द स्पेशल स्पेशलाइजेशन, दिस इज अलाइंड विद द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द हायर एजुकेशन और न्यू एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
इनको आधार पर, मतलब जैसे कि आपने स्टैम लिया है तो कुछ स्कूल स्टैम वाले हैं, कुछ स्कूल ये वाले हैं, बट जो बेसिक है वो आपको दिख रहा होगा, पर्सनैलिटी परस्पेक्टिव ये सब हर स्कूल में कॉमन है, चाहे कोई से भी आप स्ट्रीम ले लो, ठीक है। अब एडमिशन जो है ओपन है 20 स्कूल के लिए, और एडमिशन्स के लिए गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एडमिशन है वो आज से ओपन हुए हैं, और मैंने आज ही वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता और किसी ने वीडियो बनाई है नहीं बनाई है, लेकिन आप इस वीडियो को आपकी तरफ फैला देना, जो भी आपके रिलेटिव्स में हैं, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर है, अगर उनको इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है तो उनका पूरा की पूरा जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज ऐसा स्कूल आज से पहले कभी नहीं बने हैं। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया है इन स्कूल को स्टार्ट करके। तो 19 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, इसलिए ज़्यादा लोगों को जानकारी पता चल जाए आप वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सकता है आपकी तरह फैला दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, हर स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए, और कोई भी स्टूडेंट्स रह ना जाए यार, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम मिला हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर लेने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर। अब बात करते हैं एडमिशन चॉल बी ऑफर्ड इन दी 9 क्लास इन फॉल और टाइप ऑफ SOSE, ठीक है। फॉर स्टैम SOSE बिसाइड क्लास 9 एडमिशन विल आल्सो ऑफर्ड इन क्लास 11। अब दिक्कत यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो आपको चारों की चारों जो स्ट्रीम्स हैं वो ऑफर हो रही हैं, आप चूज़ कर सकते हो कौन सी आपको लेनी है, लेकिन अगर आप 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो आपको सिर्फ स्टैम अभी यहाँ पे ऑफ़र हो रही है, ठीक है। हो सकता है बाद में जब और स्कूल आ जाए तो दूसरी स्ट्रीम्स आ जाए, बट अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए 11th क्लास में आपको साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाली जो एक स्ट्रीम है प्रॉपर एक ही चीज़ है, इसमें चारों चीज़ आपको सिखाई जाएंगी वो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो आपको चारों ऑप्शंस हैं, जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज स्कूल्स ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि खाली प्राइवेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या गवर्नमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, आपका स्कूल रिकॉग्नाइज है बस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास वैलिड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए जो आप दिल्ली में रहते हो उसका। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर सेक्शन वुड बी अप्रोक्स 30 इन द फर्स्ट ईयर, देयर वुड बी बिटवीन 3-4 सेक्शन इन ईच स्कूल, ठीक है। 30 बच्चे होंगे, 3-4 सेक्शन बनाए जाएंगे हर स्कूल में, यानी हर स्कूल में 120 सीटें के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, और 20 स्कूल है तो आप लगा सकते हो लगभग कितनी सीटें यहाँ पे हो गई, 2000 के आसपास। 50% सीट हर स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व करी जाएगी, और जो बाकी की सीटें होंगी वो प्राइवेट स्कूल या जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए 50% सीटें होंगी। रिजर्वेशन एंड एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इज एज पर द नॉर्म्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगी, जो रिजर्वेशन है और जो एज यहाँ पे है वो सब जो पहले से चलता आ रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे लिया जाएगा। अब बात करते हैं मार्क्स की। अगर आपके क्लास 8th में 60% मार्क्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए इन एनी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, ठीक है, तो कम से कम अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो 8वीं क्लास में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और आई थिंक 60% मार्क्स यार इतने ज़्यादा भी नहीं है कि हर कोई बच्चा ना ला पाए, 60% मार्क्स मोस्टली एवरेज बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप 60% ला चुके हो 8th क्लास में। इन केस ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट कैन बी वेव्ड इफ द कैंडिडेट हैज़ रिसीव्ड अवार्ड इन एनी आर्ट फॉर्म इन अ कॉम्पिटिशन एट जोनल और अपवर्ड लेवल, यानी एक और छूट दे दी है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि अगर आपने मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं आपके और आपने कुछ अचीव कराया 8वीं क्लास में इस फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, जोनल लेवल पे या अपवर्ड लेवल पे, तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे स्किल के बेस पे भी आपको देखा जा रहा है, खाली मार्क्स के बेस पे नहीं देखा जा रहा। अब मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए अगर आपको क्लास 11th में यहाँ पर क्या कहते हैं स्टेम चाहिए तो, और इसमें आपके बेस्ट ऑफ 5 इंक्लूडिंग साइंस और मैथ्स भी होनी चाहिए, यानी बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में आपके 75% मार्क्स हैं अगर 10th क्लास में, तो आपको 11th क्लास में स्टेम मिल सकती है। 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम्स के लिए, ये बात आप ध्यान रखो। रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का अगर आप SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर OBC CWSN एज पर दी पॉलिसी जो भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस
सकते हैं कौन कौन से स्कूल यहाँ पे हैं जो अभी 20 ओपन हुए हैं यहाँ पे। तो पहला खिचड़ीपुर है जो पहले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था, और दूसरा रोहिणी है, तीसरा कालकाजी है, और जितने भी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय वाले स्कूल थे दिल्ली में उनको भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हर स्कूल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये बिल्कुल नए तरीके के स्कूल होंगे जहाँ पे एक स्केल के ऊपर फोकस करा जाएगा। जैसे आपको जितने भी ऊपर 8 स्कूल दिख रहे हैं ये सभी स्टेम वाले हैं, यानी आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब स्कूलों में होंगे जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। लेकिन जो आप यहाँ पे एडवांस स्किल सीखोगे किसी एक सेक्टर में, वो यहाँ पे आपको शुरू के 8 स्कूलों में आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो, इस टाइम आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर 9 से लेकर, देखो 9वीं जो रोहिणी में सेक्टर 21 में स्कूल है आपका, और द्वारका में सेक्टर 19 में आपका स्कूल है, वहाँ पे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स आपको सिखाई जाएगी। और जितने भी आपके 11 से लेकर यहाँ पर स्कूल हैं, 11 से लेकर आपके 15 तक यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी सिखाई जाएगी, ठीक है। और आपके 16 से लेकर जितने भी स्कूल हैं 20 तक, ठीक है, यहाँ पे आपको हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाई जाएगी। अब इनके अंदर क्या क्या है ये मेरे ख्याल से इनकी जो साइट है उस पर मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। बट आपको यहाँ पे सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। जानकारी में क्या क्या मिल गया होगा, एक तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए, ठीक है। दूसरा आपको 60% मार्क्स चाहिए अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 75% मार्क्स चाहिए, बिकॉज अभी 11th क्लास में खाली साइंस की स्ट्रीम है। अगर हमें मोटा मोटा बोलूँ तो स्टेम वाली जो स्ट्रीम है वही है खाली 11th क्लास में अभी फ़िलहाल, बाद में हो सकता है आ जाए। तो अभी आपको 75% मार्क्स चाहिए अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो। 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। और अभी 19 तारीख तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है। आपकी तरह इस वीडियो को फैला दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।